तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं आज का ड्राइंग। इसके लिए हमें यहाँ पर रूम के अंदर डोर और विंडो चाहिए, दरवाजा और खिड़की यहाँ पर हमें चाहिए। उसका भी यहाँ पर ड्राइंग हम पहले रेडी करेंगे, उसके बाद इधर से आप, उसके बाद इधर हमें डबल डोर गेट एंड एंट्री यहाँ पर रेडी करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर देखिए, इसके अंदर ऐसे कलर और ऐसे वॉल हाईलाइट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर पार्टीशन वॉल, नेक्स्ट यहाँ पर पार्टीशन वॉल देखिए, नेक्स्ट इधर पार्टीशन वॉल, ऐसे पार्टीशन वॉल हम ऐड करेंगे। उसके बाद पार्टीशन वॉल के अंदर विंडो या खिड़की हम ऐड करेंगे यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर रहेगा पार्टीशन वॉल देखिए। इसको कंप्लीट करने के बाद हम इसका जो पार्टीशन वॉल है इधर से ऐसे ऐड करेंगे, और इसके अंदर हम खिड़की या विंडो और वेंटिलेटर ऐड करेंगे। यहाँ पर भी पार्टीशन वॉल रहेगा ठीक है ऐसे। इसके बाद यहाँ पर पार्टीशन वॉल, यहाँ पर 125 mm का पार्टीशन वॉल 5 इंच का, और पार्टीशन वॉल के बाद हम इसके अंदर खिड़की भी दिखाएंगे कहाँ पर ऐड किया है, ऐसे रखना है। उसके बाद यहाँ पर इधर नेक्स्ट इधर देखिए, जितना पार्टीशन वॉल और जितना डोर और विंडो चाहिए उसका मार्क यहाँ पर क्या है, इसके लिए हमें यहाँ पर ऐसे विंडो और वेंटिलेटर खिड़की यहाँ पर हवा आने के लिए जो खिड़की चाहिए हम ऐसे ऐड करेंगे। इसको कर दिया है ऐड। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें रेलिंग ऐड कर बना है यहाँ पर, इसके अंदर कटआउट रहेगा। इस रेलिंग का कलर हम येलो कलर हाइलाइटेड से थ्रू हाइलाइट करेंगे ओके। इसको कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर जो आपका किचन का जो स्लैब रहेगा यहाँ पर हम ऐसे ऐसे रखेंगे, इसका हैच यहाँ पर ऐड करेंगे ठीक है। चलिए उसके बाद रेडी करते हैं इसका डिजाइन। तो कलम भी ऐड करेंगे इसके अंदर, तो कॉलम और यहाँ पर फाउंडेशन हम एक यहाँ पर लाइन पर रो वाइज यहाँ पर सेट कर देंगे। यहाँ पर नेक्स्ट इधर स्टेयर के लिए हमें इधर भी कॉलम चाहिए, हम इधर कॉलम ऐड करेंगे इसे। उसके बाद देखिए इसके अंदर जो कलम चाहिए यहाँ पर हमें ऐड करना है ठीक है ऐसे। उसके बाद इसका डिटेल्स भरना है, तो डिटेल्स के लिए हमें कैसे भरेंगे इसके अंदर देखिए, डिटेल्स के लिए हमें यहाँ पर रेडी करना है सब कुछ। जैसे यहाँ पर विंडो, वेंटिलेटर, वेंटिलेटर डोर D1, यहाँ पर विंडो, बेडरूम, नेक्स्ट बेडरूम, इसका विंडो, नेक्स्ट बेडरूम,
नेक्स्ट ड्राइंग, यहाँ पर विंडो, यहाँ पर विंडो, डाइनिंग प्लस किचन, यहाँ पर विंडो। ओके नेक्स्ट, यहाँ पर D1, बाथ प्लस WC, वेंटिलेटर, यहाँ पर बरामदा प्लस पोर्च। देखिए यहाँ पर बात प्लस WC, यहाँ पर बात प्लस WC, तो एक एक रूम के साथ देखिए, अटैच टॉयलेट एंड बाथरूम एंड WC यहाँ पर रेडी किया है। चलिए इसका मेजरमेंट ऐड करते हैं, 14 फीट 9 इंच एंड 13 फीट 0 इंच। देखिए मास्टर बेड के हिसाब से आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सब देखिए सब बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट एंड बाथरूम, 6 फीट 3 इंच एंड 6 फीट 4 इंच एंड यहाँ पर 4 फीट 4 फीट यहाँ पर बेडरूम, 13 फीट 0 इंच एंड 12 फीट। नेक्स्ट डोर 13 फीट 0 इंच, 11 फीट 11 इंच। यहाँ पर स्टेयर 5 फीट 10 इंच, 3 फीट 3 फीट, टोटल 7 फीट 8 इंच। ऐसे रहेगा ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 7 फीट 0 इंच एंड यहाँ पर 4 फीट। नेक्स्ट यहाँ पर 4 फीट 5 इंच वाइड एंड यहाँ पर लेंथ 10 फीट 11 इंच। किचन टोटल जो यहाँ पर लेंथ 11 फीट 8 इंच एंड इधर 9 फीट 5 इंच। यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस 15 फीट 4 इंच एंड इधर तो डिस्टेंस 9 फीट 4 इंच। तो यहाँ पर जो मेजरमेंट हमें चाहिए, मेजरमेंट यहाँ पर 29 फीट 0 इंच एंड यहाँ पर 34 फीट 0 इंच, 29 into 34, 986 square feet हाउस डिजाइन। ओके इसका जो कॉस्टिंग यहाँ पर 15 to 17 लाख रुपीज तक यहाँ पर आ जाएगा ठीक है। यहाँ पर कास्टिंग जो आउटसाइड वॉल यहाँ पर 5 इंच का वॉल, इनसाइड में 5 इंच वॉल, कलम 10 into 12 इंच, 250 into 300 mm का कॉलम आपको चाहिए, 4 नंबर्स 16 mm तो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो
वहीं तक प्लान डिजाइन। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।